दोस्तों आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये मेरी सारी खुशी जो आज मुझे मिली है वो मेरे व्यूअर्स के कारण मिली है। आप सभी व्यूअर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आज मेरे चैनल पर जो क्राइटेरिया होता है मोनिटाइज करने के लिए वो पूरा हो गया है। मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, 4000 से भी ज़्यादा घंटे वॉच टाइम हो गया है। तो आप सभी व्यूअर्स को इतने प्यार, इतने सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरह से आप लोगों का प्यार सहयोग मुझे मिलता रहे, ताकि हम YouTube पर और भी अच्छे से वीडियो लेके आते रहें। तो दोस्तों हम आज बहुत खुश हैं, और इस खुशी का कारण हमारे सभी व्यूवर्स हैं। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो चैनल है उस पर जो क्राइटेरिया होता है वो पूरा हो गया है आप लोगों के सहयोग से। और हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जब क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो गूगल की तरफ से पिन आता है, और उस पिन को जब हम डाल देते हैं अपने चैनल पर तो उसको वेरीफाई यूट्यूब वाले वेरीफाई करते हैं, गूगल वेरीफाई करता है, और वेरिफिकेशन के बाद तब आते हैं पैसे। तो दोस्तों हमारा जो गूगल से एडसेंस पिन आता है वो आ चुका है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना उत्साहित था, इतना ज़्यादा खुश हो गया था दोस्तों कि जो इसका कवर होता है वो पहले से ही मैंने हटा दिया वीडियो बनाने से पहले ही, उसके बाद ध्यान आया कि वीडियो बनाना है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से पिन आता है, और ये बहुत ही गोपनीय होता है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। ये आपने देखा कि ये मेरा गूगल एडसेंस पिन मेरे घर के एड्रेस पर आ चुका है, और अब इसको डालेंगे तो हमारा चैनल वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आएंगे पैसे। तो आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश हैं हम दोस्तों आज, और ये हर किसी यूट्यूबर का जो जिसके चैनल होते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनका ये ड्रीम होता है, उनकी एक ख्वाहिश होती है कि कब उनका चैनल मोनेटाइज होगा। काफ़ी समय लगा, 1.5 से 2 साल लग गए दोस्तों, क्योंकि हमको कोई अनुभव था नहीं, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि एक ना एक दिन हमारा चैनल मोनेटाइज जरूर होगा। और आप सभी के सहयोग और प्यार से आज ये क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, और हमारा एडसेंस का पिन भी आ गया है। अब एक स्टेप आगे हम चल रहे हैं, चैनल हमारा मोनेटाइज होगा और हम यहाँ से कुछ इनकम भी कर सकेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी का सहयोग मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, ताकि हम आप सभी तक गाँव की चीज़ों को आप तक पहुँचाते रहें दोस्तों। क्योंकि हमारा जो इंडियन विलेज ब्यूटी चैनल बनाने का जो उद्देश्य था, वो मात्र यही उद्देश्य था कि गाँव के जो लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उनके जीवन में चुनौतियाँ कैसी होती हैं, चैलेंज कैसे होते हैं, और किस किस तरह के जीवन लोग जीते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिसको हम विश्वास भी हम नहीं कर सकते कि इतना जटिलताएँ उनके जीवन में हैं, इतने तकलीफें उनके जीवन में हैं, किस तरह के जीवन लोग जीते हैं। आज के टाइम पर भी खेती बाड़ी करने के लिए लोग अपने पूरे परिवार को खेतों में मेहनत करते हैं, जो है अपने खेतों में मेहनत करते हैं ताकि किसी तरह से उनकी फसल अच्छी हो जाए। बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, और लोग मजबूर होते हैं गांव में उस तरह के जीवन को जीने के लिए। और इंडियन विलेज ब्यूटी के माध्यम से दोस्तों मेरा यही प्रयास रहता है कि हम गाँव से रिलेटेड अधिक से अधिक जानकारियों को आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि गांव के लोगों का जो जीवन होता है वो शहर से बिल्कुल भी अलग होता है। और जो लोग गांव में नहीं रहे हैं उनके सामने जब ये सब चीज़ें आती हैं तो वो एक आश्चर्य से कम नहीं होता है। और इसी उद्देश्य से हमने ये चैनल बनाया है, और मेरा मैं उसी अपने उद्देश्य पर काम भी कर रहा हूँ कि गाँव की जो लाइफ है, गाँव का लोगों का जो जीवन है, वो इसके माध्यम से हम आप सभी तक पहुंचा सकें। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने कमेंट्स जरूर दिया करें। हमें ये हमारा निवेदन है कि आप जो भी वीडियो देखें उसमें अपना कमेंट्स हमें जरूर दें, जो हमको उत्साहित करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, और हमें ये सिखाता भी है कि हम अपने चैनल में और क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें और अच्छी कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। हम जरूर आपके सामने फिर से आएंगे एक नए
वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।